Hello, I am Mansi Mangla. I am studying Ternopil National Medical University and I am here at Ukraine-Poland border. Actually, हमारे साथ क्या हुआ, हमें कल पता लगता है कि हमारे सारे फ्रेंड्स यहाँ पर आ रहे हैं और सब पोलैंड के लिए निकल रहे हैं। हमें नहीं, उससे पहले हमारा जाने का कोई प्लान नहीं था। फिर हमें सडनली पता लगता है कि हमारी एजेंसी के सारे एजेंट्स भी जा चुके हैं और हम टर्नोपिल के अंदर अकेले हैं। तो फाइनली हम वहाँ से निकले थे और हमें एक स्पेशल टैक्सी करके वहाँ से आना पड़ा, जिसके लिए हमें 1600 रेवन स्पेंड करने पड़े पर पर्सन। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 12 बजे आए। हम 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ पे आए हैं, उसके बाद वो बाय फुट। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, हमारे सामने रशियन पॉलिश लोगों को निकाला जा रहा है और हमें बोला जा रहा है कि गो बैक टू योर होम। और हमें ऑफर किया जा रहा है कि आप पर पर्सन $200 पे करके यहाँ से निकल सकते हैं। ओके, एंड आई एम मेघना राठौड़ फ्रॉम टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और मैं 5th ईयर की स्टूडेंट हूँ। और हमारे साथ क्या हुआ है कि एम्बेसी ने हमारे लिए एडवाइजरी जारी करी थी कि आपको इवैक्यूएशन मिलेगा पोलैंड के थ्रू और आप लोगों को अपने ओन व्हीकल से आप पोलैंड आ सकते हो और हम आपको इवैक्यूएट करके इंडिया पहुँचाएंगे। लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया हमको कि आपके लिए ये है कि आप वापस घर चले जाओ, क्योंकि हमारे पास में आपको यहाँ से इवैक्यूएट करने के ऑर्डर अभी नहीं है। जबकि हम पहले से ही कांटेक्ट करके आए थे एम्बेसी से। अब हम कल रात से -5 डिग्री टेम्परेचर में यहाँ पे फंसे हुए हैं, लेकिन यहाँ ना एम्बेसी को कोई चिंता है, ना अभी तक कोई रिप्लाई है एम्बेसी का। अब हम लोग फंसे हुए, हम ना वापस टर्नोपिल जा सकते हैं और ना ही हमको पोलैंड में जाने दे रहे हैं। सो व्हाट कैन वी डू नाउ? हमने मिनिस्ट्री को कॉल किया था तो वो लोग बोलते हैं हम दिल्ली में हैं, हम यहाँ रह के आपके लिए क्या करें, आपको खुद करना पड़ेगा और खुद देखना पड़ेगा। और यूक्रेनियन हमें बोलते हैं कि आपकी गवर्नमेंट हमारी हेल्प नहीं कर सकती तो हम आपकी हेल्प नहीं कर सकते। और इसमें अब इस सिचुएशन में हमारी क्या गलती है? हमने तो कुछ किया ही नहीं है, जो हमको बोला गया उसको फॉलो किया और उसके बाद में भी हम लोगों को ये बोल दिया गया कि हमने ये एडवाइजरी अभी जारी करी है जो कि हमारे आने के बाद ही थी। हम नॉर्मली हर स्टूडेंट यहाँ पे 20-40 किलोमीटर पैदल चल के पहुँच रहा है बॉर्डर तक, और बॉर्डर से 4 किलोमीटर पहले हमको रोक दिया जाता है कि आप नहीं जा सकते हो, आप वापस अपने घर चले जाओ। और नॉर्मल सी बात है कि टर्नोपिल में अभी बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हो चुके हैं, हम ना वापस टर्नोपिल जा सकते हैं ना पोलैंड आ सकते हैं। यूक्रेन में जिस तरह के हालात हैं उससे सभी वाकिफ हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के बहुत से स्टूडेंट्स वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो पढ़ाई करने गए थे, कोई MBBS करने गया था, कोई दूसरी पढ़ाई करने के लिए गया था। ऐसे में हम बात करें तो पलवल की, तो पलवल से भी कई स्टूडेंट्स हैं जो वहाँ फंसे हुए हैं। फिलहाल हम मौजूद हैं न्यू कॉलोनी में, जहाँ वंशिका के पेरेंट्स अपनी बेटी को पलवल लाने के लिए काफ़ी उत्सुक है, परेशान है, काफ़ी परेशानी के दौर से वो गुजर रही है। वंशिका की माँ के साथ हम फिलहाल मौजूद हैं, उनकी देख सकते हैं फ़ोन पर वंशिका का फ़ोटो है। सुबह ही इनकी इनसे बात हुई थी, लेकिन बार बार जो नेटवर्क का संपर्क टूट रहा है, वहाँ हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं, परेशानियों का सामना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को वहाँ करना पड़ रहा है, बॉर्डर पर फंसे हुए हैं। तो ऐसे में पोलैंड बॉर्डर पर जो सुरक्षित जो इनको नहीं आने दिया जा रहा है, वहाँ पर रोका जा रहा है। तो बात करेंगे पेरेंट्स से, क्या बातचीत आपकी हुई इनसे वंशिका से, लगभग कितने बजे बातचीत हुई, किस 2-3 दिनों की बात करें तो किस तरह के हालात बताए जा रहे हैं वहाँ पर? वंशिका से हमारी बात सुबह 6 बजे हुई है। वो लोग रात में 3:30 बजे पोलैंड बॉर्डर पर पहुँच गए थे, जैसा MBC ने उनसे कहा था। लेकिन उसके बाद जो यूक्रेन की चौकी है, वहाँ के जो मिलिट्री वाले हैं, वो उनको जाने नहीं दे रहे हैं कि हमें ऐसी कोई परमिशन नहीं है, आप लोग नहीं जा सकते हैं, गो बैक कहते हैं। लेकिन बच्चे ये कह रहे हैं कि यहाँ से गो बैक कैसे करें, अब तो ना तो हमारे पास पैसा है, और यहाँ से कम 50-60 किलोमीटर दूर अगर हम पैदल चल कर जाएँ तो कोई टैक्सी, और टैक्सी भी कोई लेके जाएगी तो बिना पैसे की लेके नहीं जाएगी, कीमतें बहुत बढ़ रही हैं। संपर्क अब पेरेंट्स से धीरे धीरे टूट रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत सारे बच्चे तो बेहोश हो गिर रहे हैं, क्योंकि पूरी रात वो सोते नहीं थे, दिन में वो बड़ी मुश्किल से आते थे, 36 घंटे 48 घंटे ऐसे हो गए हैं जिससे उनको खाने की भी सुविधा नहीं उपलब्ध हुई है, पानी की दिक्कतें वहाँ हो रही हैं। तो ये सारी दिक्कतें बच्चे वो फेस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा है कि कहीं ना कहीं हमें यहाँ इवैक्यूएट किया जाएगा। लेकिन भारत सरकार की बहुत अच्छी पकड़ यूक्रेन से भी है और रशिया से भी है, तो यही अनुरोध है कि इतनी जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी उन बच्चों को कम से कम, अगर इवैक्यूएट इतनी जल्दी ना किया जा सके तो कम पानी है,
खाने की व्यवस्था है और उनके ठहरने की, क्योंकि वहाँ -4 और -5 टेम्परेचर चल रहा है, उनके पास पर्याप्त इस समय कपड़े भी नहीं है उस टेम्परेचर में, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर अलग है वहाँ का टेम्परेचर अलग है, इसलिए वो लोग तो बीमार हो रहे हैं। अगर ऐसे ही दो एक दिन रहा तो बहुत सारे हालात और भी ख़राब हो जाएंगे और शायद बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि निराशा की वजह से डिप्रेशन में खुद भी आ जाएंगे। और भी पेरेंट्स हैं बहुत से ये जो उनकी बेटी आपके बेटे पढ़ रही है वहाँ पर, आप करना चाहते हैं तो कितने वंशिका के साथ कहाँ के स्टूडेंट्स हैं वहाँ? पलवल से ही वंशिका के साथ बच्चे हैं, पलवल है, बल्लभगढ़ है, कम से कम 8-10 बच्चे तो एक साथ के ही, एक साथ ही रहते हैं, एक साथ ही आए हैं वो। लेकिन अब किसी को फीवर हो रहा है, ठंड की वजह से फीवर हो रहा है, हालत बहुत ख़राब है। कोई ऐसा है कि कोल्ड की वजह से दवा नहीं मिल रही है, कोई भूख से तड़प रहा है, तो उन बच्चों से, और उन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी वहाँ उपलब्ध ना होने की वजह से पेरेंट्स से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है। तो इंडिया में पेरेंट्स की हालत बहुत ख़राब है, इसलिए सरकार से बार बार यही गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी उनको मूलभूत सुविधाएं जो हैं उपलब्ध कराई जाएं। इवैक्यूएशन में चाहे 2-3 दिन लग जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनको सेफ जगह पहुंचा दिया जाए और उनको एसेंशियल चीज़ें उपलब्ध करा दी जाए। हाँ, पिछली बार कब गई थी और आपकी जो बच्ची का बेटी कौन सी क्लासेज में वहाँ पढ़ रही है, और ऐसे कौन कौन से साथी हैं पाकिस्तान से वो भी पेरेंट्स आपसे संपर्क कर रहे होंगे, क्योंकि कई जो पेरेंट्स का संपर्क नहीं हो पा रहा है उनके बच्चों से? सर, लास्ट ईयर ये फरवरी में गई थी, कोरोना जो जब सेकेंड वेव आया था तब वो वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस की वजह से 2 महीने के लिए आ गई थी। उसके बाद फेब में ही यहाँ से वो गई थी, और उसके बाद 1 साल हो गए मुझे उस बच्ची को देखे हुए, और अब उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। ये वंशी का 4th ईयर MBBS में है, और यहाँ पलवल से ही बहुत सारे बच्चे हैं जो 4th ईयर में ही हैं, और इन बच्चों को बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ी है। जब ऊपर से सायरन बजता था बॉम्ब गिरने का, तो वो बच्चे बहुत डरे, और डर का माहौल बिल्कुल। तो क्या बताया उस बारे में, जिस तरह से सायरन निकलता है वहाँ से आवाज़ आती है? सर, वो कंडीशन मैं परसों की मैं आपको नहीं डिस्क्राइब कर पा रही हूँ। रात के 2:30 बजे मेरा उससे संपर्क टूट गया। संपर्क टूटने के बाद मेरा ऐसा लगा कि शायद मैं खुद ही नहीं बच पाऊँगी, इतना घबराहट हुई मुझे। उसके बाद जब मेरा दिन में 10 बजे संपर्क जुड़ा है बेटी से, तो उसने कहा कि मुझे, हमें मम्मी रात को सायरन बजने लगे थे और बता दिया गया था कि बंकर्स में चले जाओ। हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि कहाँ है बंकर। किसी तरीके से 1-2 बच्चों को मिला और ये लोग भाग के बंकर में गए। वहाँ इतनी ठंड थी, रात तक बहुत मुश्किल गुजरी है। और आने के बाद फिर उसने अपने पिता को मैसेज किया कि पापा, यहाँ कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे भेजो, हम बच के आएंगे कि नहीं कुछ नहीं पता। वो बहुत बच्चे पैसे खत्म हो चुके हैं, बस खाना वाना मिल रहा है कि नहीं, खाना भी नहीं मिल रहा है। वहाँ बहुत क्राइसिस हो गई है, जो भी मिल रहा है वो बहुत कॉस्टली हो गया है, और बच्चों को ATM और वहाँ पे जो बैंक्स हैं वहाँ पे पैसे नहीं अवेलेबल हैं। बच्चों को यहाँ से हम कितने भी पैसे भेज के वो नहीं निकाल पा रहे, कैसे नहीं निकाल पा रहे। सरकार से क्या मांग करते हो, जल्दी करें सरकार के आपके बच्चे सुरक्षित इंडिया लौटे, पलवल लौटे, दूसरे राज्यों के भी ऐसे बच्चे हैं आप? सर, हमारी सरकार से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि हमारे बच्चों को सुरक्षित ले आया जाए। मुझे पूरा विश्वास है सरकार पे, और मैं सरकार से इतना ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमारे बच्चों को किसी तरीके से पोलैंड के रास्ते इवैक्यूएट करके हम लोगों के पास पहुँचा दिया जाए, ताकि हम लोग थोड़ी सी तसल्ली में आ जाएँ। जो घबराहट है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि बच्चे सेफ हैं, जो 2-2 दिन से नहीं खाए हैं वो किस तरीके से सर्वाइव कर रहे होंगे, वो एक्सप्लेन करना हमारे लिए मुश्किल है सर। पेरेंट्स का बुरा हाल है, और उनके जो बच्चे फंसे हुए हैं वहाँ पर यूक्रेन के पोलैंड पर, तो हमारे साथ उनके जो वंशिका के मामा भी हैं, आप क्या मांग करते हो सरकार से, क्योंकि जो दर्द एक माँ बाप का है वो दर्द आपके अंदर भी है। ये देखिए, 1 हफ्ते से जब से लड़ाई शुरू हुई है, बच्चे कभी बंकर में जा रहे हैं, कभी अपने शॉप्स पर जा रहे हैं रिस्क लेके सामान खरीदने, और जब शॉप बंद हो गई और जब दुकानें सारी बंद हो गई तो भद्दड़ सा माहौल हो गया। फिर बच्चों ने अपने पैसे लगा के मुंह मांगे, टैक्सियों को दाम देके और बॉर्डर की तरफ पहुँचे हैं। अब हमारी सरकार से यही मांग है कि जल्द से जल्द बॉर्डर से फंसे बच्चों को निकाल के ले आए। इसमें मैं कहता हूँ कि यूक्रेन के ऊपर ज़रूर सरकार को दबाव बनाना चाहिए। अगर यूक्रेन में हमारे बच्चे सालों साल से पढ़ रहे हैं, तो ये यूक्रेन सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हमारे बच्चों को सुरक्षित करें। जैसे आपकी भाई जी है, तो उनके कुछ साथी स्टूडेंट्स भी होंगे, कुछ कौन कौन से राज्य से उनसे बात हुई हो, वापसी आ चुके हैं इंडिया में? जी, बहुत 1-2 स्टूडेंट्स ही वापस आ पाए हैं, क्योंकि ऐसा माहौल
या तो यूक्रेन सरकार ने नहीं जाहिर किया कि जंग हो जाएगी या रशिया की तरफ से ऐसा माहौल नहीं था कि जंग हो जाएगी, लेकिन ये सडन अटैक होने के कारण सारी मैक्सिमम बच्चे वहीं फंस गए हैं और यूनिवर्सिटी भी ऑफलाइन थी तो मैक्सिमम बच्चे वहीं फंस गए हैं भारत के। लास्ट बार केंद्र सरकार से क्या मांग करती हो? केंद्र सरकार से मेरी यही मांग है कि हर राज्य के सारे बच्चों का लिस्ट उनके पास है, सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं ऑलरेडी, उन्होंने फॉर्म भर दिया है, जल्द से जल्द उसको कंपाइल करके और वापस बुलाए बच्चों को किसी तरह। ये थे हमारे साथ वंशिका के पेरेंट्स और उनके मामा जी, जिनका कहना है कि उनका सब्र अब टूटता जा रहा है, जिस तरह की परेशानियों में उनके बच्चे हैं वो दर्द ये महसूस कर रहे हैं, लगातार संपर्क भी टूट रहा है लेकिन कई बार कॉल भी होती है, आज सुबह भी उनकी बात हुई, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो अपने माँ बाप से बात भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है, चार्जिंग की प्रॉब्लम है, बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, खाने के लिए भोजन उपलब्ध नहीं हो रहा है, बहुत महंगा खाना है, बहुत पैसे भी वहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं। तो ऐसे में इनकी यही मांग है कि केंद्र सरकार इस पर जल्द से जल्द यूक्रेन सरकार से बातचीत करे और जल्द से जल्द उनके जो बच्चे हैं उनको सुरक्षित घर पर लाया जाए हिंदुस्तान में, पलवल में या फिर दूसरे राज्यों में। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब के स्टूडियो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।